प्रिय दर्शकों नमस्कार। मौनी अमावस्या के दिन रोटी की सहायता से किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 9 फरवरी 2024 शुक्रवार के दिन मौनी अमावस्या आ रही है। जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय आपने मौनी अमावस्या के दिन ही करना है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। बच्चों की उम्र शादी के लायक हो जाए लेकिन किसी कारण से उनकी शादी में लगातार विलंब बना रहे, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए, फाइनल हो भी जाए, तो बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद नहीं हैं, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको पसंद हैं वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा, आप इंतजार करते रहोगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी यही सिचुएशन बनी हुई है तो ये वीडियो जरूर देखना, और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ ये उपाय आपने मौनी अमावस्या के दिन जरूर करना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के चमत्कारी उपाय लेकर आपके सामने उपस्थित रहता हूँ। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, तो हमारी आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। 9 फरवरी 2024 शुक्रवार के दिन मौनी अमावस्या के दिन आपने ये उपाय करना है, और ये उपाय आपने दोपहर से पहले पहले ही कर देना है, यानी कि 11-12 बजे से पहले पहले ही मॉर्निंग में ये उपाय आपने कर देना है। ये उपाय कैसे करना है इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा, नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने हैं। आपने एक रोटी बनानी है। रोटी कैसी? आटे की रोटी, गेहूं का जो आटा है उसी की आपने रोटी बनानी है, लेकिन ये रोटी मीठी होनी चाहिए। गेहूं के आटे में आप थोड़ी सी चीनी मिला लीजिए और उसको गूंथ कर एक रोटी तैयार कर लीजिए। ये बन गई मीठी रोटी। अब इस रोटी को आप घी से अच्छे से चौपड़ लीजिए, अच्छा सा घी इसके ऊपर लगा दीजिए। कौन सा घी? जो आप खाने में प्रयोग करते हो वही घी आपने लगा लेना है। उसके बाद आपने थोड़े से तिल लेने हैं। क्या लेने हैं? तिल, थोड़े से तिल लेने हैं और उस रोटी के ऊपर आपने डाल देने हैं। अब रोटी घी से चुपड़ी हुई है, जब आप उसके ऊपर तिल डालोगे तो वो तिल पूरी रोटी पर चिपक जाएंगे। मतलब तिल आपने एक ही जगह नहीं रखने हैं, पूरी रोटी पर इस प्रकार से उनको छिड़क देना है और वो तिल उस रोटी पर चिपक जाएंगे। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपने इस रोटी को एक प्लेट में रख लेना है और आपके घर में ही आपने बैठ जाना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ जोन की तरफ मुख करके आपने बैठ जाना है और एक मंत्र का जाप करना है, केवल 21 बार। छोटा सा मंत्र है प्रिय दर्शकों, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो और बोलकर भी मैं आपको बता देता हूं।
ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। क्या बोलना है? ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। इस मंत्र को आपने 21 बार बोलना है। बड़ा ही आसान मंत्र है। मेरे पास कुछ ऐसे फ़ोन कॉल्स भी आते हैं जो माताएं होती हैं कि हम अनपढ़ हैं, हमें मंत्र बोलना नहीं आता है, कोई आसान सा उपाय बताइए। तो ये मंत्र तो बिल्कुल आसान है। जो माता अनपढ़ है वो भी आसानी से इस मंत्र को बोल सकती है। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। इस मंत्र को आपने 21 बार बोलना है। यदि ज़्यादा बार आप बोलना चाहो तो एक माला इस मंत्र की निकाल दीजिए, यानी कि 108 बार भी बोल सकते हो। यदि समय की कमी है तो 21 बार इसको आप बोल सकते हो। ये मंत्र बोलने के बाद आपने अपने बच्चे का ध्यान करना है। अपनी आंखें बंद करके अपने बच्चे की जल्दी शादी के लिए अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करनी है। आपके जो भी पितृ देव हैं उनसे आपने प्रार्थना करनी है अपने बच्चे की जल्दी शादी होने के लिए। प्रार्थना करने के बाद यदि बच्चे घर में हैं तो एक बार बच्चों से इस रोटी को टच करवा लेना, यानी छुआ लेना, उनका हाथ लगवा लेना। और यदि बच्चे घर पे नहीं हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ध्यान कर लिया अपने बच्चे का और अपने पितरों से जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना आपने कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि बच्चे घर में हैं तो एक बार उनका हाथ लगवा लेना, और यदि बच्चे घर में नहीं हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपने इतनी सी विधि करने के बाद इस रोटी को गाय माता को खिला देना है। आपके आसपास कोई भी गाय माता हो, गलियों में जो घूमती हैं, या फिर कहीं पर भी गौशाला में कहीं पर भी आपको गाय माता दिख जाए तो उस गाय माता को अपनी मनोकामना बोलते हुए इस रोटी को खिला देना है। गाय माता में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। जब आप ये रोटी गाय माता को खिलाओगे तो आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो प्रार्थना है अपने बच्चों की जल्दी शादी को लेकर, आप जो परेशान रहते हो वो परेशानी दूर हो जाएगी और आपकी जो प्रार्थना है जल्द से जल्द स्वीकार हो जाएगी। अब ये बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद भी इसी तरीके से करना है। विधि विधान तरीका यही रहेगा। और माता पिता हैं आप तो भी आपने इसी तरीके से ये उपाय कर देना है। बस एक ही दिन का उपाय है। मौनी अमावस्या कोई सामान्य अमावस्या नहीं होती, बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या होती है। तो प्रदर्शकों, इस दिन भूमंडल पर एक ऐसा योग बनता है। यदि आप ये उपाय मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दोगे तो आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, शादी में लगातार देरी बनी हुई है उसका कारण क्या है ये मुझसे जानना चाहते हो, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं या फिर अच्छा खासा उनका व्यापार है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है, आपके बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी आदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो अपनी समस्या टाइप करके स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे पास भेज सकते हैं, या फिर अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में ओम श्री पितृ देवता जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।